गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग माई सेल्फ डॉक्टर बकुलेव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट फेवरेट फेवरेट, फेवरेट लेट्स क्रैक नीट योर वन स्टॉप फॉर नीट आज हम uh, कल रात को मैंने एक अनाउंसमेंट किया था और आज हम जो स्टार्ट uh, करने वाले हैं दैट इज वन थाउजेंड टॉप एमसी क्यूज बायोलॉजी के वन थाउजेंड टॉप एमसी क्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो आप सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी से जल्दी से सेशन से 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 को ज्वाइन कर ले क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस होगा तो ठीक नहीं रहेगा आप सब लोगों को हाँ हाँ बेटा थोड़ा सा लेट हो गए हम एक मिनट लेट हो गए आज एक दो मिनट लेट हो गए चलिए तो हम हमारा पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से मैं आपको बताया देता हूं कि आज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का हमारा दूसरा टेस्ट है अन पर दो से पाँच बजे का इसका वक्त है एसेंशियली सारे बच्चों को इसमें अपियर होना है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट मिलेगा यहां आपको रैंक प्रेडिक्टर भी मिलेगा हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी और जो एग्जैक्ट नीट का हमारा पैटर्न है एनटीए पैटर्न उसी पैटर्न पर ये सारे के सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं देखिए आप ध्यान से पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा आज सेकंड टेस्ट है मॉक टेस्ट टू सितंबर वन टाइम दोपहर दो, दो बजे से पांच बजे तक इसमें एसेंशियली सारे बच्चों को अपियर हो ही जाना है बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करनी है अगस्त से से कुछ बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं सूर्योदय और ड्रौपर से ड्रौपर ड्रौपर 22, और ड्रॉपर 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 टू बैच आपके के लिए आइकनिक का भी बिल्कुल नया मॉडल अब आपके सामने आ गया है बस बेटा अभी दो एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइकनिक का जो बिल्कुल नया मॉडल अभी आ गया है उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है मेंटोरशिप आप को ऑफर होती ही है आप अपने लाइव डाउट सेशन अरेंज कर सकते हैं लाइव क्विज सॉल्विंग सेशन अरेंज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पर जाइए सेशन टाइप सेलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट पिक कीजिए टाइम स्लॉट पिक कीजिए मेंटर को अपने नोट्स प्रोवाइड करिए और फिर आपका लाइव सेशन अरेंज हो जाएगा आपके ब्रांडेड नोट्स अन अकेडमी के अब अवेलेबल हैं और जिन बच्चों के पास भी आ, इसका आइकनिक सब्सक्रिप्शन है ट्वेल्व मंथ एर्टीन मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ का उनको ये सारे के सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पे भिजवाए जा रहे हैं अच्छा प्लस का जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्टिंग है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एट रुपीज पर मंथ और आईकनिक का जो सब्सक्रिप्शन है रुपीज पर लेकिन आप अगर इस का इस्तेमाल करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा और आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में एंटर भी कर जाएंगे प्लस के सारे बेनिफिट तो मिलते ही आईकनिक में इसके अलावा आपको मेंटोरशिप मिल जाती है आपको गाइडेंस मिलती है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है आपका टेस्ट एनालिसिस होता है और आप सब लोगों की की काउंसलिंग भी जाती है सारे आपको सब्सक्रिप्शन पर मिलते हैं किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं एट वन डबल जीरो पर अनअकेडमिक कॉम्बेट में जरूर अपियर हुई है। ये सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है नेशनल लेवल पर होने वाला जो हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है इसमें भी कोड यही इस्तेमाल करना है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेट्स क्रैक नीट यूजी किसी तरह का इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट अगर आपको पी डी एफ पर इस पर यूट्यूब पर दिखाई देता है तो आप जरूर 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 उसको रिपोर्ट करें यू हैव द टू रिपोर्ट इट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें और जो बच्चे यहां पर नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं माई सेफ डॉ बकुल मैं जयपुर से हूं और मैं पिछले 16 सालों से मेडिकल एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूं थाउजेंड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड इन वरी एस रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर द इंडिया छह बार मेरे स्टूडेंट्स ए आई आर वन भी लेकर के आए अब मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत अच्छी रैंक के साथ में नीट को क्लियर करें तो बेटा अब हम हमारा आज का स्टार्ट करते हैं ये देखिए आज का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पोर्शन में सबसे पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है हाँ बिल्कुल 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 मिलेगा बेटा मिलेगा चिंता ना करो एक क्वेश्चन तुमको दिख गया होगा स्क्रीन पे कोई खास बात नहीं है अभी हम सारे ही क्वेश्चन करने वाले हैं अब मैं थोड़ा सा आपको मोडस ऑप एंडाइज इसका क्लियर कर दूं थोड़ा सा समझा दूं यहां हम एन पैटर्न पर सौ क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे पॉइंट वन ये जो सौ क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करेंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे पॉइंट थ्री ये एक्सक्लूसिवली एनसीआर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे मतलब 95 फाइव परसेंट नाइनटी सिक्स परसेंट आपको एनसीआरटी से ही मिलेंगे पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट सिलेबस के और रोज एक सेशन होगा यानी कि मेरा टारगेट है मैं आने वाले दस दिनों में आपको वन थाउजेंड टॉप एमसीक्यूज बायोलॉजी के सॉल्व करवा दूं दिस इज माय पर्पस दिस इज माय टारगेट ओके एक बात दूसरी चीज इसी तरीके से मैं पीवाई क्यू का सेशन भी अरेंज करूंगा और पीवाई क्यूज भी मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डेवलप किए हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग या कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे करेक्ट हाँ बिल्कुल मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा पर पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलिए जी स्टार्ट करें रेडी हैं सबके सब, सब तैयार हैं सबके सब यू ऑल आर रेडी गिव मी अप यस सर वी आर रेडी एंड वी विल स्टार्ट दिस मॉक टेस्ट गिव मी थम्स वी आर रेडी एंड वी विल स्टार्ट दिस मॉक टेस्ट और जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे इस सेशन को लाइक जरूर कर दो बेटा जितने भी बच्चे हैं वो इस सेशन को लाइक जरूर कर दो और शेयर भी कर दो ठीक है चलिए जी स्टार्ट करते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन डन 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 बहुत अच्छे बेटा बहुत बच्चे लाइक कर दो बेटा सारे बच्चे लाइक कर दो सेशन को जितने भी देख रहे हो यर इज बायोलॉजी सेक्शन वन पार्ट ए जिसमें कि थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं और आपको इन सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है करेक्ट सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जी की इज द टेक्सोनॉमिक एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये चार स्टेटमेंट है इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं ये आपको पता करना है ओके okay, रिस्पॉन्ड चारों स्टेटमेंट पढ़िए पहला है की इज एट एक्सोनॉमिक एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कीज आर नॉट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कितने हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अब देखो मेरी बात सुनो बड़ी बेसिक सी चीज है बेटा अगर आप कीज के बारे में जानते हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए दैट कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर तो यह वाला स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट इसके ट्रू हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू सो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्लैरिटी है क्लैरिटी है सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन डन चलिए आगे मूव करते हैं केवल सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर पर ही तो कीज बेस्ड होते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टू बहुत आसान सवाल है बहुत आसान सवाल है आरकी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन विच हैबिटेट आर की बैक्टीरिया कौन से हैबिटेट में मिलते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी मार्शी स्प्रिंग बोथ वन एंड टू वैसे तो आप लोगों की जो आदत है आप लोगों की जो आदत है उसके हिसाब से आप इसमें आसानी से टिक कर देंगे लेकिन ज्यादातर बच्चे इसका आंसर जानते हैं वेरी गुड वेरी गुड मैं आप सब लोगों के रिस्पॉन्स देख रहा हूं एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड ठीक है एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में भी मिलते हैं और आपके मार्शी एरिया में भी मिलते हैं आगे चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री अब देखो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना यहां पांच छह चीजें लिखी हुई हैं सबसे पहली चीज लिखी हुई है कॉप्रोफिलस दूसरी लिखी हुई है, है एसेप्टेट, तीसरा लिखा हुआ है एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, चौथा लिखा हुआ है सेक्शुअल स्पोर इज एंडोजिनस अब मैनी मेंबर्स आर यूज एज एडिबल तो कुल मिला के कितने स्टेटमेंट हो गए हमारे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव उ मैनी स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एस्कोमाज एस्कोमाज में से इन पांच में से कितने स्टेटमेंट रिलेटेड हैं यह आपको आंसर देना है जी जी रिस्पॉन्ड कीजिए देर आर फाइव थिंग्स अच्छा जूम कर देते हैं ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए वैसे दिखाई दे रहा है बेटा ऐसी बात नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है मैं जूम करूंगा तो फिर वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिखाई देना बंद हो जाएगा सो ट्राई टू ट्राई टू आप उसको हॉरिजोंटल उस पर ले आइए है ना लैंडस्केप मोड पर ले आइए ओके द करेक्ट आंसर वुड बी करेक्ट आंसर वुड बी दिस अब आप पूछेंगे कि साहब कौन सा रिलेटेड नहीं है वन इज नॉट रिलेटेड तो हमेशा याद रखिए माइसिलियम जो है इसका दैट इज सेप्टेट याद आ गया याद आ गया अच्छे से तो ये वाला जो है ये रिलेटेड नहीं है इसको माइसिटीज से बाकी सारे के सारे रिलेटेड हैं सो द करेक्ट आंसर वुड बी फोर चलिए जी आगे मूव करते हैं आगे मूव करते हैं अब ये भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है देखो कितनी सारी चीजें दे रखी हैं। लाइकेन वायरसेस वेरियोइड्स, प्राय बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया कितनी चीजें हो गई देखो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म नॉट कंसीडर्ड इन फाइव किंगडम सिस्टम इनमें से फाइव किंगडम में कितनों को इंक्लूड नहीं किया जाता यस रिस्पॉन्ड फास्ट Respond फास्ट क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं है बेटा मनप्रीत साफ साफ तो दिखाई दे रहा है क्लियर कट दिखाई दे रहा है फाइव किंगडम सिस्टम में इनमें से केवल एक है जिसको कि हम इंक्लूड कर सकते हैं एंड दैट वन इज बैक्टीरिया सो द करेक्ट आंसर वुड बी दिस बैक्टीरिया इंक्लूड किया जाता है बाकी किसी को फाइव किंगडम सिस्टम में हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्वेश्चन नंबर फाइव कैल्प एंड सैरगेजम बिलोंग टू ये तो बड़ा आसान सवाल है बेटा बहुत आसान सवाल है बहुत आसान सवाल है जल्दी से बताइए कैल्प एंड सरगजम बिलोंग टू बिलोंग टू बिलोंग टू कौन से एल्गी हैं ये कौन से एल्गी हैं शाबाश वेरी गुड वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज ज्यादातर बच्चों को पता है ब्राउन एल्गी आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर आगे आइए मैच द कॉलम अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एक पूरा स्टेटमेंट आपको मिलेगा इस पूरे स्टेटमेंट में तीन जगह पे फिल करना है आपको फिल इन द ब्लैंक टिक करना है इन ब्रायोफाइट द सेक्स ऑर्गन आर ए मेल सेक्स ऑर्गन इज बी एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज सी हां जी ध्यान से पढ़िए ध्यान से पढ़िए ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं पहले तो ये देखिए यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्युलर फिर उसके बाद में मेल सेक्स ऑर्गन इनमें से कौन से हैं एंथ्रीडियम है या एंथ्रोजॉइड है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका आर्किगोनियम है या एग है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इजी इजी क्वेश्चन है बेटा इजी क्वेश्चन है वेरी गुड ज्यादातर बच्चों के रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है द करेक्ट आंसर इज टू डन ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं मल्टी सेल्युलर मेल सेक्स ऑर्गन एंथरीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम करेक्ट डन चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन मैनी एलगी हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्ट यानी कि इनमें से किसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक नहीं है इनमें से किसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक नहीं है इनमें से कौन सा लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक नहीं है रिस्पॉन्ड फास्ट गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग गुड गॉर्निंग वेरी गुड इसके अंदर आप ज्यादातर बच्चों के सही हैं एक्टोकार्पस और पॉलिसाइफोनिया इन दोनों के अंदर ही अगर मैं आपसे पूछूं आंसर तो इसमें फोर्थ आ गया लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं देखिए पेपर सॉल्व करने का एक तरीका यह भी होता है कि साइमल्टेनियसली आप ये भी देखते जाएं कि इनके एग्जैक्टली आंसर्स होने क्या चाहिए तो आंसर क्या होंगे इनके इन दोनों में कैसा होता है भाई वन और थ्री के अंदर जल्दी बताओ हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है इन दोनों में <coughs> ठीक है और स्पाइरो में आपका होता है तो चलिए अब आगे मूव करते हैं लेट अस मूव फॉरवर्ड कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा कॉलम मैच करना है तो हिंदी वालों को ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे वो इंग्लिश वाले ऑप्शन देख लें ऑप्शन में तो हिंदी अंग्रेजी है नहीं ठीक है परेशानी की बात नहीं है क्वेश्चन पढ़ सकते हो चलो जी मैच मैच करो करो जल्दी जल्दी अंडरग्राउंड स्टेम स्टेम टेंड्रिल अटेंड कर लिए तो ये वन थाउजेंड एमसीक्यूज एक्सक्लूसिवली एनसीआर बेस्ड आप करने वाले हैं ये आपका लास्ट फिनिशिंग टच लास्ट स्टेम्प आपका लग जाएगा प्रिपरेशन पर तो बहुत सीरियसली बहुत मतलब कंसिस्टेंटली इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए मैं हर सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूं रेंडमली ऐसा नहीं है कि केवल आंसर बताते हुए आगे चल रहा हूं वेरी गुड ज्यादातर बच्चों के जवाब सही आ गए हैं ज्यादातर बच्चों के जवाब सही आ गए हैं द करेक्ट आंसर इज चलिए मैच ही कर लेते हैं ना मैच ही कर लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम है इसमें आपका पोटैटो चलिए फिर उसके बाद में स्टेम टेंड्रिल है आपका कोकुम्बर फिर उसके बाद में स्टेम uh, थॉर्न है आपका सिट्रस फिर उसके बाद में फ्लैटनड स्टेम है आपका ओपनशिया और लास्ट जो चीज बच गई है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम यानी कि ई यह है आपका ये सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ओके डन चलिए साहब आगे मूव करते हैं लेट अस मूव फॉरवर्ड बड़ा आसान है देखिए क्या पूछा है ध्यान से पढ़िए ध्यान से पढ़िए सारे के सारे बच्चे क्या पूछा है इसके अंदर इसमें आपसे केवल इतनी सी बात पूछी गई है प्यारे बच्चों के कौन सा हाइपोगाइनस है एपीपेटलस है एक्टिनोमॉर्फिक है और बाइसेक्शुअल कंडीशन है चार चीजें हैं चारों आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरे ख्याल से कोई परेशानी की बात नहीं है जल्दी से आइडेंटिफाई करो जल्दी से आइडेंटिफाई करो इन चारों को एंड आइडेंटिफाई फास्ट बहुत अच्छे वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत आसान है बेटा बहुत आसान सवाल है शांतनु अंकिता ईशा अनुजा जोया अभिषेक धनराज सक्षम बहुत अच्छे द करेक्ट आंसर इज वन भाई दिखी रहा है साफ साफ ये देखो आप बाई कंडीशन देखो ना सबसे पहले

एपिकल मैरिस्टम कहां पर प्रेजेंट होते हैं जल्दी से बताइए रेस्पॉन्ड फास्ट रेस्पॉन्ड फास्ट सौम्या अंकिता निशा सर्वेश नावेद ज्यादातर बच्चों के जवाब बिल्कुल सही बोथ वन एंड टू फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन रूट के टिप पर भी मिलते हैं और शूट के टिप पर भी मिलते हैं लेटरल साइड्स में नहीं मिलते चलिए जी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बहुत आसान सवाल है कई बार पूछा गया है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं अर्ली वुड इज फॉर्मड इन प्लांट ड्यूरिंग अग्र दारू का निर्माण पादपों में होता है कहा कब होता है स्प्रिंग सीजन विंटर सीजन ऑटम सीजन समर बसंत शरद पतझड़ और ग्रीष्म हाँ जी अरे नहीं 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 बेटा अर्ली वुड कब बनता है अर्ली वुड कब बनता है अर्ली वुड कब बनता है द करेक्ट आंसर इज बेटा देखो ज्यादातर बच्चों के रिस्पॉन्स सही हैं ज्यादातर बच्चों आई एम वेरी हैप्पी स्प्रिंग सीजन देखो बाकी बच्चे भी थोड़ा सा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट है ना कॉन्सेंट्रेट करो यार थोड़ा सा आसान सवाल हैं ऐसे ही सवाल नीट में पूछे जाने वाले हैं ये मान के चलना ये आपका एक तरीके से वो आ, जैसे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ना सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट वैसा ही सिमुलेशन चल रहा है आपका हम एग्जैक्ट सिचुएशन को रेप्लीकेट कर रहे हैं आप बस इसको प्रॉपरली हैंडल कर लीजिए बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्टीन मिडिल लेमिला के बारे में बताइए भाई बहुत आसान सवाल है वेरी इजी क्वेश्चन व्हाट इज लेमिली व्हाट इज मिडिल लेमिली क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज इज मिडिल मिडिल दो नेबरिंग सेल के बीच में मिडिल प्रेजेंट होती है आप जानते हैं किसकी बनी होती है बताना जरा यहीं पर इसको भी याद कर ले जरा जल्दी से मिडिल किसकी बनती है जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से रिस्पॉन्ड करो शाबाश शाबाश आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो जानते हो बता दोगे यहीं पर देखो रिवीजन हो जाएगा इसका किससे बनी होती है मिडिल मिडिलेमिली और अगर मैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में चला जाऊं तो वहां से मिडिल मिडिलेमिली के बनने का प्रोसेस भी पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सब यूनिट कौन सी होती है इससे आसान सवाल इस पूरी क्विज में आपको नहीं मिलने वाला है दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज और दिस मॉक टेस्ट लेकिन ये क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं कैल्शियम पैक्टेट बहुत अच्छा अरे सेल्यूलोज कौन बता रहा है बेटा आर्यन ऐसे नहीं कैल्शियम पैक्टेट बिल्कुल सही है डन 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 हाँ जी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सब यूनिट कौन से हैं राइबोसोम सब यूनिट कौन से हैं जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो ये तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए फिफ्टी एंडर्ड इज करेक्ट आंसर चलिए जी आगे मूव करते हैं आगे मूव करते हैं द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है हमने सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको ऑप्शन पढ़ लो सिंगल लेयर डबल लेयर सिंगल लेयर डबल लेयर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सिंगल लेयर होती है डबल लेयर तुरंत याद आएगा डबल लेयर होती है फिर उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसमें अपर्चर होते हैं तो डायग्राम याद करो छोटे 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 अपर्चर थे तो आंसर क्या आ जाएगा डबल लेयर विद पोर्स सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर डन शाबाश सीरीज ऑफ चेंजेस इन विच सेल ड्युप्लीकेट इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड एज अब यह क्वेश्चन अच्छा है यह क्वेश्चन टोटैलिटी में पढ़ोगे ना तो ही सही आंसर दे पाओगे जल्दबाजी में अगर आंसर देने की कोशिश की तो आप क्या करोगे आप माइटोसिस पे टिक कर देंगे या किसी फेज पर टिक कर देंगे लेकिन इसमें सारे करेक्टर आ गए हैं आरिये बात समझ में जीवन एस जी टू एम इन चारों फेजेस के कलेक्टिव कैरेक्टर्स कलेक्टिव क्वालिटीज इसमें लिख दी गई हैं एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी करेक्ट आंसर वुड बी सेल साइकिल सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर डन चलिए साहब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेलवॉल इन प्लांट बाई विच मैथड प्लांट में नया सेलवॉल कैसे बनता है अभी मिडिली पड़ी थी कुछ क्वेश्चन आया था ना मिडिली तो मिडिली क्यों बनता है क्योंकि प्लांट सेल जब डिवाइड होता है देखो प्लांट सेल में सेंट्रियोल तो होते नहीं है कंस्ट्रिक्शन हो नहीं सकता जैसा कि आपका एनिमल सेल में होता है तो बीच में क्या बनता है एक प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बनता है उस प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों उस प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर को अरे रे रे रे, रे ये क्या कर रहे हो ये बोथ वन एंड टू वाले कौन है सेल प्लेट मेथड बेटा फर्स्ट अरे भाई तुम लोगों को याद नहीं है क्या देखो मुझे तुमको बताना पड़ेगा अब ये आपका प्लांट सेल है इस प्लांट सेल में जब डिवीजन होगा तो क्या होगा व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ डिवीजन डिवीजन होगा तो इसके अंदर एक प्लेट बनेगी इस तरीके की एक प्लेट बनना स्टार्ट होगी जल्दी से देखो फिर ये प्लेट दोनों तरफ एक्सटेंड करती चली जाएगी और अल्टीमेटली इनको दो सेल्स में डिवाइड कर देगी इसी को तो सेल प्लेट मेथड बोलते हैं बेटा आ रही है कि नहीं बात समझ में और इसी से फिर बाद में क्या बनता है लेमिली बनता है देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं जिसमें आपको वन एंड टू ऑप्शन मिल जाए कुछ और मिल जाए क्वेश्चन नंबर एटीन ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत अच्छा सवाल है सही केवल तब कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ोगे विच इज नॉट द पर्पज ऑफ ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन का कौन सा काम नहीं है ध्यान से पढ़ना चारों स्टेटमेंट कूलिंग द लीफ सरफेस मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक होना चाहिए ये स्किन लिख दिया गया सिंक हाँ जी बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को सही करने का मूल मंत्र है देखो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया करो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वहां पे हिट किया करो कंसंट्रेट किया करो कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज पूछी जा रही है द करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ ठीक है एनसीआर टी के लाइन है ये भी बता दूं साफ साफ कि दीज आर एब्सुल्यूटली लाइंस ऑफ एनसीआर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ए स्पेशल टाइप व्हिच अकर्स व्हेन वाटर इज एब्सॉर्ब बाय सॉलिड कॉलोइड कॉजिंग डेम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड यानी कि कोई सॉलिड जब किसी चीज को एब्सॉर्ब करेगा ठोस पदार्थ किसी चीज को अवशोषित करेगा तो इस घटना को क्या कहेंगे क्या कहेंगे बोलो 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 जल्दी से बोलो बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट क्या बोलेंगे इसको बहुत आसान है बहुत आसान है श्रेयन अनघा सोनू धनराज निशांत राजा ईशा वेरी गुड तुम तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है अभी देखो इजी क्वेश्चंस को हंड्रेड परसेंट अटेम्प्ट करना कहीं कोई गलती नहीं करना और जो थोड़ा सा टफ हो उस पर रुक के अब देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट पढ़ते हैं चलिए एक एक करके लेट अस गो थ्रू द स्टेटमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म मैनी फंक्शन विच इंक्लूड बोलो 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 कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है जल्दी से पढ़िए परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बोलो करता है कि नहीं करता है जहां तक मेरी जानकारी है करता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल करते हैं एसेंशियल एलिमेंट बफरिंग एक्शन बिल्कुल करते हैं एनसीआर की लाइन है एज इट इज, ध्यान नहीं जाएगा वो इस सवाल को गलत करने वाले हैं इसकी तरफ जिसका ध्यान नहीं जाएगा वो इस सवाल को गलत कर देंगे लाइन तो एनसीआर का ही है लेकिन मेजर नहीं है आंसर क्या है इसमें माइनर तो अब इसमें क्या स्टेटमेंट आपके तीन स्टेटमेंट सही हो गए करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड तो थोड़ा सा केयरफुल थोड़ा सा केयरफुल सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे बेटा नीट में भी आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया जैकपॉट लग गया ये मान लीजिए बताइए जल्दी से बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फॉर्मड ऑफ बायोसिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है कुछ सिंथेसाइज हो रहा होगा क्या सिंथेसाइज हो रहा होगा क्या सिंथेसाइज हो रहा होगा बताइए क्या सिंथेसाइज हो रहा होगा शाबाश एंड द करेक्ट आंसर वुड भी बहुत आसान है शुगर क्या बात है क्या बात ऐसे सवाल तो मिल जाए तो छोड़ना ही नहीं है उनको है ना तुरंत उनको अपने ग्रेस्ट में ले लेना है क्योंकि सब सही करने वाले हैं इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर्स देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाई किसी रासायनिक प्रक्रिया की एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती हो तो दर का निर्धारण कौन करेगा क्लोजली रिलेटेड फैक्टर करेंगे या फैक्टर इज क्लोज टू इट्स मिनिमल वैल्यू फैक्टर्स विच इज क्लोज टू मैग्जिमल वैल्यू फैक्टर विच इज क्लोज टू अप्रोप्रिएट वैल्यू बहुत अच्छा सवाल है इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं देख रहा हूं कि अनघा राजू रोहित आदित्य मंजू सौम्या हनीबी और कौन कौन है बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया दैट इज द करेक्ट आंसर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं ओके दिस इज अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री स्ट्रक्चर ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन किस में मिलता है भाई बता दो जल्दी से बहुत आसान सवाल है बहुत ही आसान सवाल है बहुत ही आसान सवाल है इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन शाबाश एंड द करेक्ट आंसर इज ये तो किसी बच्चे का गलत नहीं है मजा आ गया मजा आ गया शाबाश सेकेंड चलिए जी आगे मूव करते हैं आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अब देखो ये भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूछा जाता है नंबर ऑफ सीड्स इक्वल टू बीज कितने होंगे नंबर ऑफ ऑव्यूल्स नंबर ऑफ स्टेमन बोथ वन एंड टू एंड नंबर ऑफ पिस्टल अब वो सुनो मेरी बात ये जैसे ही बोथ वाला सवाल आ जाए ना थोड़ा सा ठिटक के रुक जाया करो सोच लिया करो क्योंकि ना 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं अरे अगेब वगेव तो हो गया अभी इसमें बताओ अरे बीज किससे बनते हैं भाई अब देखो तुम कंफ्यूज हो गए यहां आके तुम कंफ्यूज हो गए जबकि तुमको आंसर पता है जबकि तुमको आंसर पता है केवल कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं मेरे पास में केवल कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं भाई ओव्यूल के बराबर होंगे ना स्टेमन से क्या लेना देना है स्टेमन कितने भी हों उससे क्या फर्क पड़ता है बीज किससे बनेगा अल्टीमेटली बीज किससे बनेगा हाउ सीड विल बी फॉर्म्ड तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये जैसे ही ऑप्शन आपको दिखता है ना बोथ वन एंड टू आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अभी देखो एमोर्फोफेलस एंडिय का मौत ले एग इन टू एमोर्फो फेलोस और यक्का में एग कहां डिलीवर किए जाते हैं मौत किस जगह अपने एग डिलीवर करता है जल्दी 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 क्या बात है क्या बात है ये तो तुम सारे बच्चों को पता है मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है उषा डुगू नवल अभिषेक शालिनी पूजा मनीष मनीषा मनीषा बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं है ऐसा हो नहीं सकता आप अपने उसको रिफ्रेश कीजिए करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट लॉक्यूल ऑफ द ओवेरी चलिए जी आगे चलते हैं सोमेक्लोन आर ऑप्टेन्ड बाई सोमक्लोन समझ गए ना सोमैक्लोन या क्लोन जेनेटिकली आइडेंटिकल अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल हों जो अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल हो जो क्या बात है द करेक्ट आंसर इज टिश्यू कल्चर वेरी गुड वेरी गुड यह तो कई बार पूछा है भाई सवाल और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन की किस्मत इतनी अच्छी है कई बार आ चुका है क्या पता है इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो आ जाए देख लो इसको साइक्लोस्कोर आ, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय विच फंगस कौन से फंगस से ऑप्टेन किया जाता है बोलो जल्दी से <coughs> साइक्लोस्पोरिन, जल्दी 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 क्या बात है क्या बात है हाँ वो हो गया बेटा वो तो टिश्यू कल्चर हो गया वो तो टिश्यू कल्चर हो गया अब आगे चलो अब आगे चलो अब आगे चलो अब आगे चलो अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो बेटा इसमें फोर्थ इज द करेक्ट आंसर क्या बात है प्लाज्मेड अब देखो यहां इस क्वेश्चन में तुम्हारे कंफ्यूज होने के सेवेंटी परसेंट से ज्यादा चांसेस है क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि तुम्हारा कंफ्यूज होना बनता है तो जरा ध्यान से पढ़ो ऑप्शन प्लाजमेड कैन नॉट रेप्लीकेट कैन रेप्लिकेट ऑटोनोमसली एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल देखें कौन कौन सही बताता है देखें कौन सही है। <coughs> कौन सही बताता है शाबाश शाबाश क्या बात है क्या बात है क्या बात है, है? भाई बहुत अच्छे कंफ्यूज नहीं हुए तुम फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ऑटोनॉमसली रेप्लीकेट कर सकता है लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीनोम होता है जो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ट्यूमर आर इंड्यूस्ड इन प्लांट यूजिंग विच बैक्टीरियम ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरियम या टी आई प्लाजमेड किसमें होता है यह बता दो तुम तो बड़ा आसान सा सवाल है बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा फेमस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआई प्लाज आपको कहां मिलता है किस में मिलता है प्रैंकिया एग्रो राइजोबियम बैसिलस बड़ा आसान सवाल है क्या बात है? क्या बात बात है है शाबाश 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 एग्रोबैक्टीरियम इसी का इस्तेमाल करते हैं हम जीन को ट्रांसफर करने में हम इसकी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं इनसर्शनल इनएक्टिवेशन से आरएनएआई जीन साइलेंसिंग आरएनएआई का मतलब क्या है वैसे तो इसका उत्तर इसके नाम में ही है अगर किसी को इसका फुल फॉर्म भी पता है इसका फुल फॉर्म क्या है आर एन ए इंटरफियरेंस आर एन ए आई तो ये किसको को इंटरफियर कर रहा है ये किस प्रोसेस को इंटरफियर कर रहा है ये किस प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है आर एन ए के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर रहा है इट इज ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इट इज ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ आर एन ए फर्स्ट कंफ्यूज मत होना डीएनए वीएनए मत कर देना क्योंकि डीएनए से एम तो बन जाएगा अब जो एम बनेगा इसके एक्सप्रेशन को आर टेक्निक से हम ब्लॉक करते हैं हम डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक सकते टेक्निक से ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर सकते हैं ओके चलिए साहब चलिए साहब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अब देखो एक्सपेंडिंग पिरामिड ऑफ एज एक्सपेंडिंग पिरामिड ऑफ एज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऑप्शन पढ़ना देखो एक टेक्निक होती है आप एक ये भी कर सकते हैं काम कि केवल क्वेश्चन पढ़ें ऑप्शंस की तरफ नजर ही ना डालें मैं क्वेश्चन सही करने की एक टेक्निक बताता हूं तुमको यह 50 परसेंट जगह अप्लाई हो जाएगा ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड देन डोंट विजुअलाइज और डोंट सी द ऑप्शंस एक बार दिमाग में आंसर कैलकुलेट अपना निकालने की कोशिश कीजिए और फिर ऑप्शन पढ़िए तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी चलिए जी आंसर दीजिए आंसर दीजिए शाबाश एंड द आंसर इज हाई परसेंटेज ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में क्या होगा बिल्कुल 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है शाबाश क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एनर्जी एंटर इन एनी इकोसिस्टम थ्रू ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया यार फिर से जैकपॉट आ गया किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे एंटर करती है हाउ एनर्जी एंटर्स इन एन हर्बीवोर्स कार्निवोर्स प्रोड्यूसर्स डी कैसे एंटर करती है जल्दी बताइए शाबाश शाबाश अच्छा गड़बड़ कर दी क्या गड़बड़ कर दी? <laughs> पढ़ा नहीं ध्यान से पढ़ा नहीं ध्यान से अरे भाई एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है एनर्जी को ट्रैप करके सिंथेसाइज कौन करता है प्रोड्यूसर करते हैं ना तो थर्ड आएगा हर भी वोर्स पर कहां टिक गया और कुछ बच्चे तो कार नहीं वो आंसर दे रहे हैं जो कि और भी बड़ा ब्लेंडर है चलो शाबाश थर्टी थ्री ट्रॉपिकल हैव स्पीसीज एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज का नंबर ज्यादा होता है या कम होता है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है कि कम होती है आसान सवाल है आसान सवाल है अरे तो बेटा सुनो 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 आपके लिए यहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं रोजाना दस बजे डेली सुबह दस बजे एक टेस्ट ही ऑर्गेनाइज करवाऊंगा ये हंड्रेड परसेंट है आप रोज सुबह दस बजे यहां आ जाया करें कहीं कोई मिसिंग करने की जरूरत ही नहीं है एक टाइम तो ये याद कर लें और एक रात दस बजे का टाइम याद कर ले ठीक है ना स्पेशल क्लास वो चलो मैं बाद में अनाउंस करूंगा पहले इस पेपर को कर लो आंसर क्या आ गया इसमें करेक्ट आंसर इज मोर ज्यादा होंगे ट्रॉपिकल रीजन में चलिए साहब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन कैसा होता है नेचुरल <coughs> मनीषा बेटा सुनो केवल आपका स्क्रीन क्लियर नहीं है बाकी सारे बच्चों का स्क्रीन क्लियर है आप एक काम कीजिए आप इस विंडो को क्लोज कीजिए एग्जिट कर जाइए और वापस से एंटर कीजिए है ना डू दिस नेचुरल हैबिटेट इन सी टू एक्स सी टू जू बोटेनिकल गार्डन वेरी गुड नेचुरल उसी पर्टिकुलर जगह पे होगा ना तो आंसर क्या आ गया इन सी टू इन सी टू का मतलब क्या होता है वॉट इज इन सी टू एट ओरिजिनल प्लेस एग्जैक्टली वहीं पर होगा यह पार्ट ए का आखिरी सवाल उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नंबर कितने हैं अभी तो देखो ये नंबर बढ़ चुके हैं लेकिन जो आपका एनसीआरटी का डाटा बोलता है उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दो उससे भी काम चल जाएगा एनसीआरटी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दो काम चल जाएगा शाबाश 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 क्या बात है जल्दी 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 क्या बात है क्या बात फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर चलिए साहब ये सेक्शन वन पूरा हुआ जिसमें थर्टी फाइव में से थर्टी फाइव आपको करने होते हैं नाउ बायोलॉजी सेक्शन वन बायोलॉजी पार्ट वन सेक्शन बी इन पंद्रह में से आपको दस ही करने होते हैं लेकिन यहां तो हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सारे अटेम्प्ट कीजिए कुछ भी मत छोड़िए मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं वैसे भी सारे के सारे ट्रू स्टेटमेंट बताइए भाई व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमी बोटेकल गार्डन है लाइक कम है स्टूडेंट ज्यादा है वो सब अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगे हुए हैं ना सारे के सारे तो कर दो यार लाइक like कर दो जल्दी से इतने सारे बच्चे देख रहे हो सेशन को मजा आ रहा है कि नहीं पेपर करने में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा है कि नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं कि नीट का सा ही पेपर है तो लाइक करो यार सेशन को शेयर भी कर दो जल्दी से इसमें इतना क्या ही करनी चलो हाँ जी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो भाई इसमें ट्रू स्टेटमेंट केवल एक है ये वाला यहां लिखा है बोटेनिकल गार्डन हैिविंग प्लांट कलेक्शन इसका क्या मतलब है मोनोग्राफ्स हैव ऑल ऑन इंफॉर्मेशन नो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अब थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है हिंदी माध्यम के बच्चों ये लो थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ऑप्शन तो पूरे पढ़ ही लोगे, मैच करो जल्दी जल्दी मैच करो शाबाश थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी मैच करो और मैं भी आपके साथ मैच करता हूं चलो एक एक करके मैच करते हैं प्रोफेज प्रोफेज को किससे करें भाई मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटेक ठीक है।, तो है इसको मैच कर दो इससे बात खत्म हो गई मेटाफेज मेटाफेज में क्या होता है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम इसको इससे कर दो एनाफेज एनाफेज के अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी इसको इससे कर दो और टीलोफेज टीलोफेज को आप इससे कर दो सेकेंड से तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसमें विच विल बी द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर शाबाश अरे फर्स्ट आया ना बेटा सारी मैचिंग कर दी आशुतोष फिर भी सेकंड टिक किए जा रहे हो तुम चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अब देखो यहां पर भी वही कहानी आ गई है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो सारे स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स ठीक है साहब ये तो बात ठीक ठीक लग रही है एन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज़ ये बात भी ठीक लग रही है प्रोटीनस आर होमो पॉलीमरस ये गलत हो गया प्रोटीन क्या होते हैं पॉलीमर क्योंकि सारे अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं ओके देन न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर यह भी ठीक है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय ये गलत हो गया कौन सा बॉन्ड होता है Glycosidic नहीं होता होता पेप्टाइड है तो साहब इसके अंदर आपके तीन स्टेटमेंट मुझे सही नजर आ रहे हैं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट फोर सो द करेक्ट आंसर वुड बी टू क्लियर डन आगे चलो मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है जरा ध्यान से ध्यान से गड़बड़ मत कर देना बेटा इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर देना और देखो एक चीज और सुनो ये थोड़ा सा स्टेमिना और पेशेंस रखा करो कम से कम 90 मिनट तक की सिटिंग कैपेसिटी तो रखा करो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं आएंगे दो मिनट रुकेंगे फिर चले जाएंगे फिर घूम फिर के वापस आएंगे दस मिनट के बाद ऐसे कोई फायदा नहीं होगा इस पूरे पेपर को कीजिए बेटा मिसिंग मत कीजिए कुछ भी एक बार आ गए हैं तो क्विज पूरा करके जाइए रुके रहिए आप मान के चलिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे वहां पे मैं बता रहा हूं आपको और फिर आप रिग्रेट करेंगे कि ये उसमें था और हमने उस सेशन को देखा नहीं तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ट्राई टू बी सिंसियर हाँ जी मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है इनमें से मैग्नीशियम जो है आपका एक तो इसका एक्टिवेटर है एक इसका एक्टिवेटर है इनका मैग्नीशियम से कोई लेना देना नहीं है सो आंसर विल बी दिस फोर्थ चलो शाबाश कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करो साहब पाइरुविक एसिड चलो मैच करना शुरू करो नंबर ऑफ कार्बन बहुत आसान है कार्बन किसमें कितने हैं बता दोगे ना ये तो सवाल अच्छा है इट इज अ गुड क्वेश्चन सो ट्राई टू रेस्पॉन्ड ट्राई टू रेस्पॉन्ड हाँ जी पाइरुविक एसिड को किससे मैच करोगे भाई पाइरुविक एसिड क्या होता है आपका तीन कार्बन का होता है पायरूविक जानते हैं एल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड ये कितना होता है फाइव कार्बन का सक्सीनिक एसिड कितना होता है आपका वन कार्बन का और एसिटाइल को आपका टू कार्बन का होता है तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर शाबाश बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्टी वन पीजीआर आप जानते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्पफुल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ये एनसीआर का लाइन है एज इट इज देखिए जल्दी से बताओ ब्रूइंग इंडस्ट्री में कौन सा काम आता है ब्रूइंग इंडस्ट्री ब्रूइंग इंडस्ट्री में कौन सा काम आता है वेरी गुड टर्पींस चलो नो 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 क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अब ध्यान से सुनो वॉटसन एंड एफ क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच वॉज बेस्ड ऑन आसान सवाल है आसान सवाल है एक्सरे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय एम विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट शारगाफ्स रूल चलो जी फोर्टी टू में बताओ वॉटसन और क्रिक ने यह भी एनसीआरटी का लाइन है बेटा एज इट इज वॉटसन और क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच वॉज बेस्ड ऑन एनसीआरटी के लाइन है पहली लाइन बिल्कुल ठीक बात है इसका कोई लेना देना नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है यह बिल्कुल ठीक है सो so आंसर क्या आ जाएगा इसमें फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड फोर्टी थ्री चलो जी वापस एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया है चलो कॉलम मैच करते हैं टी आर एन एम आर एन ए आर आर एन ए और लेक जेड करो साहब मैच करो टी आर एन ए को किससे मैच करोगे क्या काम है अमीनो एसिड को लेके आना एम आर एन ए का काम क्या बताओगे टेम्पलेट प्रोवाइड करना फिर उसके बाद में आर आर एन ए काम क्या बताओगे और लेक जेड का काम तो आप जानते ही हैं तो क्या आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वन देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारे जवाब दे दोगे ध्यान से पढ़ोगे तो सारे के सारे जवाब दे दोगे शाबाश, शाबाश 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 क्या बात क्या बात भाई क्या बात है क्या कहने क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एस एनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोर्फिज इज लोकेशन ऑफ आरएनए एन एर सिंगल बेस डिफर्स ध्यान से पढ़ना पढ़ाया हुआ है आपको जब हमने आ, जो जेनेटिक्स वाला और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला सेक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ आरएनए एन सिंगल बेस डिफर्स लोकेशन ऑफ प्रोटीन वेयर सिंगल बेस डिफर्स लोकेशन ऑन डीएनए वेयर सिंगल बेस डिफर्स लोकेशन ऑन डीएनए वेयर मेनी बेसिस ऑफ डीएनए डिफर्स जल्दी 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 ना 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 इसमें कंफ्यूज हो गए इसमें कंफ्यूज हो गए तुम थोड़ा सा पर कोई बात नहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बनता है इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आंसर इसमें क्या आएगा तीसरा डीएनए पर वो लोकेशन डीएनए स्ट्रैंड पर वो लोकेशन जहां की सिंगल बेस डिफरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं एस एन पी चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव आसानी से बता दोगे डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है टी ए सी ए टी जी 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 ये तो अब देखो मैं मेरी बात सुनो तुम सारे के सारे ड्रॉपर हो यहां पे मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ड्रॉपर इस सवाल को अगर तुम गलत करते हो इट इज अ काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस मतलब ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं होगी अगर तुमने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो सो प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्ड और सारे बच्चे सही जवाब देंगे इससे आसान क्या सवाल मिलेगा यार तुमको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पकड़नी है? बताओ जरा जल्दी से जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ एम आर एन ए सीक्वेंस बताओ देखो अब फिर वही बात गलत किए जा रहे हैं इसमें भी गलत किए जा रहे हैं। जल्दी 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 अरे भाई थाईमीन की जगह क्या कर दोगे अब तुम तुम कंफ्यूज थाइमिन की जगह एडिनिन कर दोगे साइटोसिन की जगह साइटोसिन से किसको कर दोगे यूरेसिल एडिनिन से क्या कनेक्ट करोगे थाइमिन की जगह यूरेसिल करोगे ना आरएनए में तो आंसर क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट फाइव टू थ्री डायरेक्शन के अंदर क्लैरिटी है ना मैच कर पा रहे हो कि नहीं देखो थाईमीन यहां एडिनिन आ गया

का जो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है एनवायरमेंट में उसको कंपनसेट कैसे करती है बॉडी आरबीसी के नंबर को बढ़ाकर इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट डिक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट बड़ा अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है एक्सप्लेन भी करूंगा अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए चिंता ना कीजिए आंसर क्या आएगा इसमें देखो आरबीसी का नंबर तो बढ़ेगा ही किस वजह से बढ़ेगा आरबीसी का नंबर क्योंकि कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जो आरबीसी काउंट बढ़ा देता है तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बात खत्म हो गई अब दूसरे पर आते हैं डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन यही आप कंफ्यूज हो रहे हैं यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि जब बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी सुनना ध्यान से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी तभी तो वो टिश्यू में रिलीज होगा हमारा क्या है हम उसे टिश्यू में रिलीज करना चाहते हैं तो टिश्यू में रिलीज तभी होगा जब बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी अदरवाइज तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़े ही रखेगा टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं इंक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी नहीं होगा इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट बिल्कुल सही है ये भी नहीं होगा तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कोई कंफ्यूजन किसी को किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन क्लैरिटी है ना पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपको कंफ्यूजन केवल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी में है तो ध्यान से समझिए टिश्यूज में ऑक्सीजन केवल तब रिलीज हो पाएगा जब हीमोग्लोबिन से उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी अदरवाइज रिलीज ही नहीं होगा चलो जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में आओ यह भी बड़ा आसान सवाल है टू हंड्रेड जूल सोलर एनर्जी प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट अब टेन परसेंट एनर्जी लॉ वाला पिक करते हैं तो यह दो सौ जूल है फिर प्रोड्यूसर हर्बीवोर कार्निवोर आपको यह पूछा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर विल बी टू कार्निवोर्स कार्निवोर्स को कितनी मिलेगी बताओ भाई जल्दी से प्रोड्यूसर को 200 मिल रही है आसान सा सवाल है यार कोई बात नहीं बेटा वापस से समझा देंगे एक बार सीक्वेंस में सवाल कर ले सारा भाई प्रोड्यूसर को कितनी मिल रही है दो सो को कितनी मिलेगी बीस कार्निवर्स को कितनी मिलेगी टू सिंपल एज सिंपल एज दैट द करेक्ट आंसर विल बी वन डन इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप ज्यादा टाइम लगाए चलो जी यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को और मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीजों को सो सो कम टू फोर्टी एट इन अ हेल्दी पर्सन द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने अब देखो एक बार चारों स्टेटमेंट पढ़िए आपको कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ एक दो स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको नहीं होती लेकिन जब चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इनकरेक्ट अब देखो ये ठीक है बात इन डीएनए स्ट्रैंड एक टर्न थर्टी सिक्स डिग्री का होता है ये तो आप जानते ही हैं। ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ये बिल्कुल दे रखा है एनसीआरटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए ह्यूमन बॉडी में सोडियम का कंसेंट्रेशन जीरो पॉइंट टू नहीं होता कितना होता है कौन बताएगा जल्दी से जल्दी से बताओ भाई इनकरेक्ट इसमें केवल एक है लेकिन मुझे यह बताइए सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में कितना होता है हु विल रिस्पॉन्ड हु रिस्पॉन्ड जीरो पॉइंट नाइन तो केवल यह वाला स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं नहीं नहीं बेटा अभिषेक

ईशा गोयल मेरी बात सुनो बेटा एनसीआरटी में नहीं दिया है कंसंट्रेशन लेकिन अगर आप मिली मोल में कन्वर्ट करोगे तो वही कंसंट्रेशन आएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वैसी बात है कि मैं आपसे ये कहूं मेरी बात सुनो मैं आपसे ये कहूं जी जीएफआर होता है वन ट्वेंटी पर मिनट यस फिर मैं कहूं जी होता है वन एटी पर डे अब आप ये कहोगे कि साहब एनसीआरटी में तो वन ट्वेंटी uh, एम पर मिनट दे रखा है आपने वन एटी लीटर पर डे कैसे बता दिया वो एक ही बात है बेटा दे आर वन एंड द सेम थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके चलिए हाँ तो इसमें साहब आपका मिथेनो बैक्टीरियम एरोबिक नहीं होता कैसा होता है एन एरोबिक आप जानते हैं अच्छे से इस वजह से ए तो करेक्ट है बी फॉल्स है फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इसमें भी वही है फॉल्स स्टेटमेंट पिक करने कितने स्टेटमेंट फॉल्स हैं फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिश ये तो बिल्कुल सही बात है ट्रू है ये तो ट्रांसजेनिक काउ यूज्ड इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन द जीन क्राइवन एसी एंड क्राइ2ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर नो कॉटन बॉलवर्म के लिए है ये ठीक है तो क्या पूछा है इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है अर्ली डायग्नोसिस मेथड ट्रांसजेनिक यूज द सेफ्टी ऑफ की जा सकती है ये दोनों गलत हो गए इसके अंदर थर्ड इज द करेक्ट आंसर कोई कोई परेशा कोई परेशानी 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 किसी बच्चे को टू स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट यहां आपका बायोलॉजी का फर्स्ट सेगमेंट यानी फिफ्टी क्वेश्चन का सेगमेंट पूरा होता है अब हम आते हैं सेकेंड सेगमेंट में सेकेंड सेगमेंट के पहले थर्टी फाइव थर्टी फाइव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये 35 questions आरे करने हैं। चलो जी आओ 51 में शाबाश 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 का इनमें से कौन सा नहीं है बहुत अच्छा सवाल इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अपियरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग ऑल और सम स्टेजेस ऑफ लाइफ ये तो है कॉर्डेटा का कैरेक्टर है साहब ये तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड इन पेयर्ड फॉर्म अब ये गड़बड़ कर दी इन्होंने पेयर्ड नहीं होता एक ही होता है पेयर्ड तो नॉन कॉर्डेट में होता है जहां हम कहते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहां पेयर्ड नहीं होता तो क्या पूछा था इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो यही गया बस बात खत्म हुई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है डन डन जॉड वर्टिब्रेट डिस्कवर्ड फ्रॉम ओशन जॉ प्रेजेंट था परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थी ऑपरकुलम और दांत भी थे प्लेकॉइड स्केल थे तो आप इसको किसमें रखेंगे अच्छा सवाल है भाई इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हाँ जी दो तरीके की सुनो मछलियों को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक कार्टिलेजिनस फिशेज एक बोनी फिशेज Cartilaginous फिशेज को ही भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसको ओशन से ढूंढा गया है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यह है कि यह कार्टिलेजिनस है क्योंकि बोनी फिश ओशन में तो होती है लेकिन ज्यादातर फ्रेश वॉटर बॉडीज में मिलती है परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड and टीथ formed by मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स तो usually ऑपरकुलम होता नहीं है यूजली ऑपरकुलम होता नहीं है लेकिन प्लेक्ट स्केल के मोडिफिकेशन से बन जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कॉन्ड्रिक कार्टिलेजिनस फिशेज आंसर करोस्टोमेटा में क्यों नहीं रख सकते अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किया करो साइक्लोस्टोमेटा में क्यों नहीं रख सकते क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में आपका जॉ नहीं होता देर इज नो जॉ जबकि इसमें जॉ प्रेजेंट था ऑस्टिक थीज में क्यों नहीं रख सकते ऑस्टिक थीज में क्यों नहीं रख सकते क्योंकि ऑस्टिक थीज में नो स्केल, ऑस्ट्रेकोडर्माई ये तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इनकी बात ही क्या करनी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेवलपमेंट पैरी प्लेनेटा अमेरिका ना कॉकरोच में डेवलपमेंट का मोड क्या होता है जल्दी बोलो क्या नहीं समझ आया भाई फिफ्टी वन में क्या नहीं समझ आया बड़ा आसान सा सवाल था फिफ्टी वन अब मैं बाद में डिस्कस करूंगा पहले पेपर पूरा करने दो पैरि प्लेनेटा में यानी कॉकरोच में मोड क्या है कॉकरोच में मोड होता है, इसको, भी कहते है ऐसे मेटामोरफोसिस में तीन स्टेजेस बनती एग निम्फ और फिर उसके बाद में इमेगो और निम्फ और इमेगो ये दोनों केवल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं निम्फ में विंग्स नहीं होते देर इज नो विंग्स और इमेगो में विंग्स प्रेजेंट होते हैं बस यही डिफरेंस होता है हैबिटेट दोनों का कॉमन होता है चलो आगे आ जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से अब ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सपोर्टेड बाई इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हमेशा याद रखिए रेस्पिरेटरी ट्री में जब हम ट्रेकिया से नीचे की तरफ जाते हैं तो ट्रेकिया में तो पूरा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होता है फिर थोड़ा और छोटा होता है फिर थोड़ा और छोटा होता है अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाता है जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे कार्टिलेज का साइज रिड्यूस होता चला जाता है आपको एज अ ये याद रखना है सारे के सारे बच्चों को बिना किसी कंफ्यूजन के अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल किसी ना किसी फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है फिर से रिपीट कर रहा हूं अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल किसी ना किसी फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तो अब किस में नहीं मिलेगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं मिलेगा डक्ट ऑफ डई में नहीं मिलेगा एलव्योलाई में मिलेगा। इनके अलावा सब में मिलेगा तो आंसर क्या आ गया इसके अंदर आपका ए में मिलेगा बी में मिलेगा सी डी और ई e. ये फर्स्ट आंसर आ गया अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल किसी ना किसी फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा हमेशा याद रखिए हाँ जी ये तो बड़ा आसान सवाल मिल गया तुम लोगों को जैकपॉट आ गया तुम्हारे लिए बेटा कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर इज कंसर्न विद इंटरनल ऑफ इतना भी बड़ा जैकपॉट नहीं है छोटा मोटा जैकपॉट है क्योंकि कई बच्चों को तो के केमिकल नेम ही पता नहीं होते तो अभी याद कर लो किसके एब्सॉप्शन के लिए होता है साहब कैसे इंटरसिक फैक्टर वाइटमिन बी ट्वेल्व और विटामिन बी ट्वेल्व को और क्या कहते हैं सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर चलिए जी एप्रोप्रिएट चीजें फिल करनी है आपको ये आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है अब जरा ध्यान से देख लो सारे के सारे बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इस ये आपको कॉलम नजर आ रहा है कि नहीं बेटा पूरा अच्छे से पहले तो ये बताइए ये देखो यहां लिखा है रेस्पिरेटरी गैस एयर एलवियोलाई ब्लड यानी कि डिऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड और फिर टिश्यूज आपको पता करना है ए फिर बी फिर सी और फिर डी ये चार चीजें आपको पता करनी है बताइए जरा जल्दी से Respond फास्ट Respond फास्ट बेटा क्वेश्चन तो पूरे ही होंगे यार क्वेश्चन बीच में थोड़ी छोड़ देंगे कैसी बातें करते हो तुम भी क्वेश्चन तो सारे ही होंगे ना बोलो जल्दी से एंड द करेक्ट आंसर वुड बी नहीं 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 ये आंसर आ गया ना बेटा सेकंड अरे भाई एटमोसफिर एयर में कितना होता है मैं लिखता हूं यहां पे एटमोस्फिर एयर पीओटू वन फिफ्टी नाइन होता है होता है कि नहीं फिर पी सीओ टू एलवीओलाई में कितना होता है आपका फोर्टी होता है फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पीओटू कितना होता है नाइनटी फाइव होता है और पी सी ओ टू टिश्यूज में कितना होता है फाइव होता है ये सारे वैल्यूज आपके एनसीआरटी में दिए हुए चलिए आगे चलिए जल्दी से जल्दी से आगे चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन का करेक्ट पाथ देखो भाई बताओ जरा जल्दी से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बॉडी एक छोटा सा डायग्राम बना दूं क्या नीचे तुम लोगों की सहायता के लिए ये देखो ये हार्ट है ये राइट right एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम ये राइट right वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये तो जानते ही हो और यहां से कहां गया ब्लड लंग्स लंग्स से लौट के यहां आया यहां से गया बॉडी में और बॉडी से लौट के वापस यहां आया अब तो कर दोगे या अभी भी नहीं कर पाओगे द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड देखो क्या देख रहा है यहां पे ध्यान से देखो सारे के सारे बच्चे अ लुक राइट एट्रियम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से लंग्स लंग से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर चलो जी आगे चलो आगे चलो जल्दी से मैच द कॉलम मैच द कॉलम जल्दी करो मैचिंग करो जल्दी से मैचिंग करो जल्दी से शाबाश हां जी मैचिंग करोगे तो क्या पता चलेगा आपको कार्डियक साइकिल जीरो पॉइंट एट सेकेंड का होता है बिल्कुल ठीक बात है फिर आपका प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में क्या कहोगे फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ब्लड होता है बिल्कुल ठीक है सिस्टलिक और डायस्टेलिक, ये तो कर ही दोगे हीमोग्लोबिन कितना होता है 12 टू 16 ग्राम होता है हार्ट बीट कितनी होती है ये लो तो आंसर आ गया आपका सेकंड आसान है आसान है आसान है बिल्कुल ईसीजी जी का सवाल आया ईसीजी का सवाल आया इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ इट्स कॉम्पोनेट्स आर करेक्टली इंटरप्रिटेड पी क्यू आर एस टी आप जानते हैं पांच वेव्स होती हैं चलिए जी

जल्दी अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं आपको क्या करना है वो आंसर पिक करना है जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ना टू ध्यान से देखिए एक मिनट रुकिए मैं इसको सीधे एक्सप्लेन ही कर देता हूं आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको क्लियर कर दूं देखिए यहां पर लिखा है फोर ध्यान से देखिए फोर फोर क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी 300 500 3500 ml बिल्कुल करेक्ट है और फिर फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ मैच क्या होना चाहिए 1200 ml ये वाला आंसर इसके अंदर थर्ड आ गया आपको ये दो चीजें मैच करनी है इधर वाला कौन सा है उधर वाला कौन सा है बाकी कोई भी चीज इसमें मैच नहीं करेगी तो ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया अरे नहीं कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता फिर वो कहते हैं सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो चलो हमने पहले ही बता दिया बाइक और ट्राइकस्पिड ओपन कब होते हैं बहुत अच्छा सवाल है भाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन क्लोज कब होते हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ओपन कब होते हैं बाइक और ट्राइक ओपन तब होंगे जब देखो बाइक और ट्राइक कौन से हैं आपके ये रहे बाइक और ट्राइक स्पीड है लुक ये ये रहे, ये इधर वाला तो आपका ट्राइकस्पिड है इधर वाला आपका बाइकस्पिड है तो ये ओपन कब होंगे भाई इनके ओपन होने के लिए जरूरी है कि इधर से और इधर से काफी सारा ब्लड आकर के इसमें इकट्ठा हो जाए इधर से तो आपका सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर केवा और इधर से आपके पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेकर के आए सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर 62 हाउ लॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल कंटिन्यूज इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वेरी गुड क्वेश्चन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन जो हम पढ़ते हैं उसमें कितनी देर के लिए, कितनी देर देर के के लिए लिए मसल का प्रोसेस चलता रहता है मतलब कब तक मसल आपका कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में रहेगा दैट इज द क्वेश्चन किस पॉइंट के बाद रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा दैट इज द क्वेश्चन क्या बात हो गई बेटा अरे नहीं बेटा किसने बोल दिया थर्ड आंसर पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम में आएगा लेफ्ट में थोड़ा ही आएगा हाँ इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड कंफ्यूज मत हुआ करो कंफ्यूज मत हुआ करो चलो अभी थोड़े से लेंदी सवाल हैं तो पेशेंस रखो चार पांच छह सवाल बीच में पेपर में ऐसा होता है ना कई बार कि हमें अचानक से कुछ लेंदी क्वेश्चंस मिल गए फिर अचानक से कुछ छोटे क्वेश्चंस आ गए फिर कुछ लेंदी क्वेश्चंस मिल गए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट चलिए साहब देखते हैं एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन स्केलेटन टू सिक्सटी बोन ये तो करेक्ट है फिर उसके बाद में देर आर ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स ये भी करेक्ट है स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द डोरसल ये गलत हो गया स्टर्नम कहां होता है ये रहा स्टर्नम देखो वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम होता है

बहुत ही अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन है ये कोशिश करो जरा रेस्पॉन्ड करने की पीसीटी लाइंड बाय सिंपल ब्रश ब्रशबोर्डर एपिथीलियम अगर काट दी जाए उस हिस्से को काट दिया जाए तो सीधी सी बात है पीसीटी इज द प्राइमरी साइट ऑफ रीएब्सॉर्बेशन सत्तर परसेंट के आसपास फिल्टरेट आपका पीसीटी से रीएब्सॉर्ब होता है अब आपने पीसीटी को काट दिया है इसका मतलब यूरिन ज्यादा बनेगा इट विल बी मोर डाइल्यूटेड ये ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा करेक्ट डन दूसरा क्यों नहीं होगा क्योंकि फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है आपका डीसीटी में होता है इसका पीसीटी से लेना देना नहीं है सेलेक्टिव सीक्रीशन ऑफ एच पोटेशियम एन एच थ्री विल स्टॉप यह भी गलत हो गया हाइड्रोजन और पोटेशियम का सीक्रीशन डीसीटी में भी होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म का कोई लेना देना नहीं है वो लूप ऑफ हैनले की वजह से होती है चलिए आगे चलिए फ द ए एन एफ लेवल राइज इन द ब्लड ए एन एफ समझ गए एट्रीएल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ए एन एफ एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर और ये वो फैक्टर है बेटा जो अपोजिट टू आर ए एस रैन इन एनजियोटेन्स इन एल्डोस्ट सिस्टम के अपोजिट काम करता है ठीक है सो so, पढ़िए अब क्या आंसर आएगा इसमें ए एन एफ लेवल राइजेस इन द ब्लड नेटवर्क विल वर्क टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम ये तो बिल्कुल ठीक है करेगा स्टिमुलेट रेनिन ये गलत हो गया यही इसमें आंसर आ जाएगा मैंने क्या लिख दिया इट इज अपोजिट टू आर ए एस इसको एज अ थम रूल याद रखे आर ए एस के जस्ट अपोजिट काम करता है ए एन एफ आर ए एस को स्टिमुलेट तो कर ही नहीं सकता ना आर ए एस को इनहिबिट करेगा चलिए फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बोन्स इन पार्ट ऑफ स्कल सच एज क्रेनियल बोन फेशियल बोन हायोइड बोन एंड मिडिल ईयर बोन रेस्पेक्टिवली बहुत आसान है क्रेनियल बोन कितने होते हैं हाउ मेनी क्रेनियम हाउ मेनी फेस बोलो 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 क्रेनियल बोन होते हैं एट फेशियल बोन होते हैं फोर्टीन आप जानते हैं हाइड बोन केवल एक होता है और ईयर ऑसिकल कितने होते हैं तीन तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डन डन शाबाश यह थोड़ा लंबा सवाल हो गया पढ़ के कोशिश करो आंसर देने की डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कंसंट्रेट द फिल्टरेट अबाउट फोर टाइम्स बिल्कुल ठीक है तीन सौ से बारह सौ पर आ जाता है एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन करेक्ट फॉर कंसनट्रेटिंग द यूरीन तो ये लंबी चौड़ी लैंग्वेज है इसका कुल मिलाकर लबोलुआब इतना है कि यूरिन कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है आपको बस वो पिक करना है काउंटर करेंट मैकेनिज्म इज एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन ये बात तो बिल्कुल सही है प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हैन्नले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करेंट इन देम हेल्प टू मेंटेन एंड डिक्रीजिंग ऑसमोलरिटी ये बात भी बिल्कुल ठीक है दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाई सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ये बात भी बिल्कुल ठीक है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेटेड यूरिन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनले प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस क्या पूछा है इसके अंदर ये तो सारे इसके अंदर सही लग रहे हैं मुझे लूप प्रोक्सीन लूपा रेक्टर एज वेल एज काउंटर करंट ये आ गया इसमें ये आ गया ये ये गलत हो गया इसको पढ़ा नहीं अपन ने ध्यान से ये इंक्रीजिंग आएगा ये देखो एज वेल एज काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प इन मेंटेनिंग एंड डिक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इसकी जगह क्या आना चाहिए इंक्रीजिंग आना चाहिए सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड है ना सेकंड आ गया इंक्रीजिंग आना चाहिए इसकी जगह सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम पहला क्या दे रखा है साहब मायस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर विच इनहिबिट्स स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट ठीक है गाउट इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल शॉर्टनिंग नहीं होता है तो करेक्ट आंसर डन माया ग्रेविस आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ग्रेजुअल डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर होता है गाउट में कैल्शियम नहीं होता यूरिक एसिड होता है याद रखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में शॉर्टनिंग नहीं होती डिजेनरेशन होता है शॉर्टनिंग होती है आपकी एट्रॉफी में यह याद रखिए हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं चलिए साहब देखते हैं वेरी सिंपल नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स ठीक है न्यूरल सिस्टम फर्स्ट टाइम अराइज इन हेलमें ठीक है अभी देखते हैं इन सीलेंट रेट नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरोन ठीक है इंसेक्ट ब्रेन इज कंपोज ऑफ मैनी गैंगलियो ये बात भी बिल्कुल ठीक है तो आंसर क्या आ गया इसके अंदर ये आ गया न्यूरल सिस्टम फर्स्ट अराइज इन हेलमिंथ सबसे पहली बार नर्व हेलमिंथ में नहीं सीलेंट रेट्स में आए थे करेक्ट हाँ बेटा सत्य ही तो पूछा है यहां पर भी करेक्ट लिखा है यहां पर भी सत्य लिखा है किसको कंफ्यूजन हुआ बोलो बेटा प्रियांशु और बाकी बच्चे भी जल्दी बोलो जल्दी बोलो यहां पर भी तो सही लिखा है करेक्ट लिखा है और इसमें भी सही कथन लिखा है नहीं तुम वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हो चलो रेटिना में इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा सबसे पहले इंपल्स कहां जनरेट होता है रॉड एंड कौन सेल रॉड एंड कोन सेल से बाइपोलर न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन से गैंगलियोनेटेड सेल गैंगलियोनेटेड सेल से ऑप्टिक नर्व दैट इज द सिंपल सीक्वेंस सो द आंसर वुड बी आंसर वुड बी फोटोसेंसरी सेल बाइपोलर गैंग्लियोनेटेड एंड ऑप्टिक नर्व फर्स्ट बेटा अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा आपने को देखो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इतनी जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा कि हम जो है बिल्कुल सत्तर अस्सी मिनट के अंदर सब सॉल्व कर दें अभी थोड़ा सा रुकिए हंड्रेड क्वेश्चन है तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए स्टेमिना रखिए थोड़ा सा है ना मैं आप सब लोगों के साथ ही तो काम कर रहा हूं ना आप तो केवल बैठ करके सुन रहे हैं चीजों को मुझे तो कंटिन्यूसली बोलना पड़ रहा है तो जो एफर्ट मैं कर रहा हूं उसका फिफ्टी परसेंट तो रेसिप्रोकेट आपको करना पड़ेगा ना ऐसे नहीं चल सकता काम भी हम थक गए ये कोई थकने का टाइम है दस दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम के कैसी बातें करते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को प्राइमेरिली मेंटेन करने वाला प्राइमरिली मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर या आ, आ, हमारा जो एपरेटस है वो कौन है सोडियम पोटेशियम पम्प याद रखिए इसको स्केला मीडिया का रूफ किससे बना होता है स्केला मीडिया समझ गए डायग्राम याद करो ये देखो ऐसा डायग्राम होता है कि नहीं आपका कॉकलिया का डायग्राम जब आप बनाते हैं ये देखिए ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं इस डायग्राम में ये है आपका स्केला वेस्टिबुलाई ये है स्केला टेंपेनाई, ये है स्केला मीडिया ये जो मेम्ब्रेन है ये है रिजनर्स मेम्ब्रेन। ये नीचे वाला मेम्ब्रेन है बेसिलर मेम्ब्रेन अब यह कह रहा है स्केला मीडिया की छत किससे बनी है तो छत किससे बनी होती है रिजनर्स मेम्ब्रेन से बनी होती है सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर आगे चलो आगे चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉर्निया कॉर्निया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है बेटा आ जाओ जल्दी से इट इज एन एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इट इज हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर ये लो बस यही हो गया कॉर्निया वेस्कुलर नहीं होता इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इजी होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स ये रिफ्लेक्स सेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जिसमें नी, नी रिफ्लेक्स दिख रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल स्ट्रक्चर तो साहब लेबल्ड स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से समझ लो ये तो आपका स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है इंटर न्यूरोन दिखाई दे रहा है हमेशा याद रखिए वेंट्रल रूट से जो न्यूरोन आते हैं वो होते हैं मोटर न्यूरोन डॉर्सल रूट की तरफ जो जाते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन सी आपका मसल हो ही गया रिसेप्टर बोलने मसल आ, आ, और बी आपका इफेक्टर ऑर्गन हो गया ये रिसेप्टर हो गया और ये आपका सी एन एस हो गया किसी भी रिफ्लेक्स आर्च में ये पांच ही चीजें इंक्लूड होती हैं अकॉर्डिंगली इसमें क्या हो गया आंसर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर डन नहीं बेटा क्वेश्चन सारे एनसीआरटी बेस्ड ही हैं चाहे क्वेश्चन लेंदी हो पर है एनसीआरटी से ही क्वेश्चन लेंदिंग हो जाए लेकिन होंगे सारे एनसीआर से कौन सा एनसीआर से नहीं है बताओ रिफ्लेक्स आर्क दे रखा है कि नहीं एनसीआर में अभी तक कौन सा क्वेश्चन तुमको ऐसा मिला जो एनसीआरटी में नहीं है वॉट आर द टू हॉर्मोन्स रिलेट रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हॉर्मोन रिलीज होते हैं दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एंड्रेसन यानी कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच चलो आगे चलो इफ एफ एस एच आर कंसर्न विद ओवेरी एंड एल एच विद कॉर्पस ल्यूटियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद हाइपोथेलेमिक हॉर्मोन एफ एस एच इज कंसर्न विद ओवेरी सुनना सवाल कैसे पूछा गया है एफ एस एच ओवेरी से कैसे कंसर्ण है एफ एस एच ओवेरी पर एक्ट करता है सुनना ध्यान से यह सवाल बहुत अच्छा है एलएच कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि एल एच कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करता है इसी तरीके से हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पर एक्ट करते हैं पर तो आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड क्लियर क्लियर एक्ट किस पर किया जा रहा है यह पूछा जा रहा है आपसे कॉलम वन और टू मैच करते हैं चलिए एट्रियल नेट्री फैक्टर सबसे पहले तो एट्रियल नेट्री फैक्टर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है साहब थर्ड क्या करता है साहब बाइल जूस के सीक्रीशन से एसोसिएटेड है तीसरा है आपका गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन का काम क्या हो गया सीक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन या गैस्ट्रिक जूस और इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकॉर्डिंगली द आंसर वुड बी फोर्थ फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर आगे चलो कोएनोसाइट <coughs> कोएनोसाइट होते हैं आपके पूरी में ये लीजिए निडोब्लास्ट स्टिंग सेल किस में होते हैं सीलेंट्रेटा में फ्लेम सेल किस में होते हैं प्लेटी में कॉम्ब प्लेट किसमें होते हैं टीनोफोरा में तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों तीसरा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर च ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हॉर्मोन हॉर्मोन को लेकर इनकरेक्ट क्या है सीक्रिशन फ्रॉम डेस ग्लैंड यह बात तो बिल्कुल सही है यह तो करेक्ट है सीक्रीटेड एज इंट्रासेल्यूलर सीक्रीशन यह गलत हो गया इनकरेक्ट हो गया एक्स्ट्रा सेल से बाहर सीक्रिट होता है फिर ब्लड में जाएगा तो बस यही आंसर आ गया इसमें सेकेंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है चलिए मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिज टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है ईच टेस्टिज हैज अबाउट टू फिफ्टी लॉब्यूल्स करेक्ट है ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्म इंटू फीमेल जेनाइटल ट्रेक्ट इन सेमाइनेशन करेक्ट है सेमिनी फेरस ट्रिब्यूल ओपन इंटू रेटे टेस्टिज थ्रू वासा एफ्रेंशिया ये गलत हो गया <coughs> वासा एफरेंशिया तो रेटेड एस्टिस के बाद स्टार्ट होंगे विल बी स्टार्ट आफ्टर रेटेड एस्टिस हाँ जी ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस ऊजेनेसिस का अच्छा ऊजेनेसिस का डायग्राम है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऊजेनेसिस द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऊजेनेसिस आर लेबल्ड ए बी एंड सी डी व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज बी एंड सी अलोंग विद देयर क्रोमोसोमल नंबर चलिए साहब जल्दी से बता देते हैं आइए ए उगोनिया हो गया उगोनिया से बी क्या बनेगा हमारा उगोनिया के बाद क्या बनता है प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बना सेकेंडरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट में क्रोमोजोम कैसे होते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी ऊसाइट में कैसे होते हैं हेप्लॉयड आंसर क्या आ गया सेकेंड ये लीजिए साहब आसान है

बच्चों इतने सारे बच्चे सेशन देख रहे हो किन किन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया लाइक करो यार जल्दी से सेशन को लाइक करो शेयर करो एंड डू इट फास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन देखो हमेशा याद रखो कि ये वाला फेज जो है ना तुम्हारा बी फेज बी फेज का मतलब है पोस्ट ये हमेशा 14 डेज का ही होगा इसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती तो अब ए आपका सेवन डेज का ही बचेगा है कि नहीं बात समझ में क्योंकि मेंस्ट्रुअल तीन दिन का है मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में कितना टाइम लगता है अमूमन पांच दिन का होता है मेंस्ट्रुअल फेज तो फेज के बाद में कितना टाइम लगता है ओवुलेशन में छह से सात दिन का करेक्ट आंसर क्लियर चलिए मेमरी ग्लैंड का फिगर है एनसीआरटी का डायग्राम है ध्यान से देखिए ये लो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसमें आपको ए बी सी और डी आइडेंटिफाई करना है ठीक है देख लिया डायग्राम सबने ए बी सी और डी आइडेंटिफाई करना है चलो जी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी से अच्छा क्या आइडेंटिफाई करना है रुको रेफर द फिगर ऑफ विद फ्यू स्ट्रक्चर्स विच स्ट्रक्चर कंटेन क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग सेल ये तो आसान सवाल हो गया मिल्क सीक्रेटिंग सेल तो मेमोरी लोब्स में होते हैं तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका दिस इज द करेक्ट आंसर चलो आसान है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज़ेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एनसीआरटी का लाइन है बड़ा सिंपल सा बड़ा सीधा सा बहुत सिंपल बड़ा सीधा सा लाइन है एनसीआरटी का कि तीन डिजीजे वो तीन डिजीज़ेस कौन कौन सी है बेटा वो तीन डिजीजेस कौन कौन सी है बेटा जेनाइटल हर्पीज अच्छा ठीक है ये उल्टा पूछा है सुनो 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 हेपेटाइटिस बी एड्स और हर्पीज इनको छोड़कर सारी क्यूरेबल है, है ना तो अब इसमें चेक कर लो एचआईवी वाला ये ऑप्शन गलत हो गया ये ऑप्शन गलत हो गया सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया अब इसमें सेकंड आ गया उल्टा पूछा है एनसीआर का स्टेटमेंट है इन तीन को छोड़कर सारे क्यूरेबल हैं तो आपसे क्यूरेबल वाले पूछ लिए गए हैं कौन कौन से को छोड़कर हमेशा याद रखो हेपेटाइटिस बी एच एंड जेनाइटल हर्पीज इनको छोड़कर सारे क्यूरेबल हैं ये क्यूरेबल नहीं है अगर इनिशियल स्टेज में भी डिटेक्ट कर लिया जाए तो करेक्ट डन अच्छा साहब करेक्ट मैच कॉलम वन कॉलम टू चलिए साहब मैच करते हैं जरा जल्दी से कलेक्टेड आर मेड टू फॉर्म जाइगोट इन द लेबोरेटरी लेबोरेटरी में जाइगोट बनाया जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे साहब वॉट इज दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेक्ट फिर दूसरी चीज क्या है आओ जल्दी से अर्ली एम अपू एट ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर ट्रांसफर किया जा रहा है तो यह प्रोसेस क्या हो गया आपका यूटरस में ट्रांसफर करते हैं तो आई यू टी ये लीजिए और फ्यूजन ऑफ गेमीट इन वीवो फर्टिलाइजेशन यह लीजिए तो आंसर क्या आ गया इसका फर्स्ट लेंदी जरूर दिख रहा है क्वेश्चन बट द क्वेश्चन इज ईजी क्वेश्चन आपको लेंदी नजर आ रहा होगा लेकिन पढ़े पढ़ोगे तो पता चलेगा आसान सवाल है आखिरी सेगमेंट की तरफ आ गए लास्ट फिफ्टीन क्वेश्चन ऑफ टूडेज मॉक टेस्ट लेटस प्रोसीड सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द स्टेटमेंट इफ एफ वन रिजेंबल्ड बोथ द पेरेंट्स इफ एफ वन डिड नॉट रिजेंबल बहुत अच्छा सवाल है बेटा थोड़ा सा ध्यान से है ना अभी थकी है मत आपको बहुत अच्छे सवाल मिलने वाले हैं कुछ इसमें इफ एफ वन रिजेंबल्ड बोथ पेरेंट्स इफ एफ वन डिड नॉट रिजेंबल इधर ऑफ टू पेरेंट्स इफ एफ वन रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स अब इनमें से डोमिनेंस कौन सा है को डोमिनस कौन सा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सा है ये बताना है बोलो 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 आंसर क्या आ जाएगा इसमें अगर दोनों में से किसी से मैच नहीं करता तो को डोमिनेंस है ये तो आप जानते ही हैं F1 वन रिजेंबल्ड ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स आंसर क्या आ गया इसमें वेरी गुड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर सी का तो डोमिनेंस है देखो सी का मतलब क्या है एफ वन रिजेंबल्ड ईदर वन ऑफ द टू किसी एक से मैच करेगा तो डोमिनस हो गया ना दिस इज डॉमीनेंस दोनों में से किसी से मैच नहीं करता तो क्या हो गया बी का मतलब क्या हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेस इनकम्प्लीट डोमिनेस है और बोथ से रिजेंबल करेगा तो आपका को डोमिनेस हो गया बात समझ में आ गई कि नहीं चौथा सही आंसर है इसमें क्लैरिटी है कि नहीं सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लो जल्दी 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 डन <clears throat> चलो आगे चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसेसिव ट्रेट इन एडिबल पी नॉट अ रेसेसिव ट्रेट रेसेसिव ट्रेट कौन सा नहीं है अरे ये क्या कर रहे हो रेसेसिव ट्रेड कौन सा नहीं है बड़ा आसान सवाल है बेटा ये तो थर्ड ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी अब ये सेवन ईयर तो तुमको याद होगा इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं अब इसमें क्या ईयर भी साथ में ऐड कर दिया है सेवन ईयर तो तुम सबको याद है लेकिन इसमें ईयर भी ऐड कर दिया है और जब ईयर ऐड कर दिया है तो आंसर आ गया आपका सेवन ईयर्स 1856 फिफ्टी सिक्स टू एटीन सिक्सटी चूंकि ये ईयर्स आपके एनसीआर में दे रखे हैं तो प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है याद कर लेने में ही भलाई है चलो 89। अब जल्दी से सॉल्व करो इफ ए पी प्लांट प्रोड्यूसेज ट्वेल्व एटी सीड्स ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन देन हाउ मेनी सीड्स आर रिंकल्ड येलो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन रेस्पेक्टिवली जल्दी से बताओ भाई बहुत अच्छा सवाल है रेस्पोंड फास्ट रेस्पॉन्ड फास्ट जल्दी 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 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं मैं रेस्पॉन्स देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स ही देख रहा हूं भाई ट्वेल्व एटी टोटल सीड्स हैं F2 का फिनोटिपिक रेशियो आप जानते हैं क्या होता है फिनोटिपिक रेशियो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन यही होता है ना भाई यानी कि टोटल सिक्सटीन आप इसको सिक्सटीन से कंपेयर कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट है ना अब इसका इसका वन बाई सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन कौन होगा रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन वन बाई सिक्सटीन होगा ना आउट ऑफ सिक्सटीन वन इज टू सिक्सटीन यही तो हुआ तो इसका सिक्सटीन निकाल लो डिवाइडेड विद सिक्सटीन तो आंसर क्या आ जाएगा एटी फिर उसके बाद यहां आ जाइए दूसरा क्या पूछा है आपसे राउंड येलो राउंड येलो कौन सा है इनमें से राउंड येलो कौन सा है इनमें राउंड येलो कौन सा है इनमें भाई ये आ गया सेकंड आंसर आ गया ना इसमें सेकंड इज द करेक्ट आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर बोलो 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 आंसर निकाल लिया तुम लोगों ने कोई कंफ्यूजन है जल्दी से बताओ हम्म कोई परेशानी तो नहीं है भाई इस सवाल में किसी को किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इस क्वेश्चन में आगे चलूं आगे चलूं अगला सवाल और भी अच्छा है अगला सवाल और भी अच्छा है क्या कंफ्यूजन है बेटा लो अब ये सवाल जो कर देगा उसको रिकॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट अच्छे से पता है ध्यान से पढ़ो इन क्रॉस इन बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स सुनना ध्यान से अब यहां आपको पेरेंटल टाइप आइडेंटिफाई करना है आप आंसर निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं सुनो ध्यान से यह क्या कह रहा है हमने किसका क्रॉस करवाया क्रॉस करवाया ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स क्रॉस्ड विद ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो सारे बच्चे ध्यान से समझ लो ये हमारे पेरेंट्स है पेरेंटल टाइप अब जब ये क्रॉस करवा दिया हमने तो प्रोजेनी में ये आया ग्रे वेस्टिजियल ट्वेंटी फोर अब ध्यान से सुनना यहीं से आंसर निकलेगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप फर्दर गलत नहीं करेंगे अब आपका ग्रे वेस्टिजियल ये कितने हैं ट्वेंटी फोर फिर आया आपका ग्रे लॉन्ग ये कितने हैं वन ट्वेंटी सिक्स फिर ब्लैक लॉन्ग ये कितने हैं ट्वेंटी सिक्स और ब्लैक वेस्टिजियल ये कितने हैं वन ट्वेंटी फोर अब जरा इनकी तरफ नजर डालो एक बार सारे के सारे बच्चे देखो इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो इसको कभी भी गलत मत करना आप आगे से अभी क्लैरिटी कर देता हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं आओ अब इनमें से आपको पेरेंटल टाइप आइडेंटिफाई करने जल्दी से पेरेंटल टाइप आइडेंटिफाई करो ग्रे लॉन्ग तो ग्रे लॉन्ग ये रहा ये पेरेंटल टाइप हो गया और ब्लैक वेस्टिजियल ये ब्लैक वेस्टिजियल ये भी पेरेंटल टाइप हो गए बोलो हो गए कि नहीं दोनों पेरेंटल टाइप इसका मतलब ये भी रिकॉम्बिनेंट है और ये भी रिकॉम्बिनेंट है यस और नो आपके ये वाले भी रिकॉम्बिनेंट है ये वाले भी रिकॉम्बिनेंट है तो टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने बच गए आपके पास में हाउ मेनी रिकॉम टोटल कितने प्लांट हैं? फिफ्टी आउट ऑफ थ्री हंड्रेड फिफ्टी आउट ऑफ थ्री हंड्रेड आर रिकॉम्बिनेंट्स तो आंसर क्या आ जाएगा सिक्सटीन पॉइंट सेवन परसेंट बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन चलो ये तो आपका एनसीआर का इमेज है सीधे सीधे जल्दी से बता दो बेटा मेरे को इसका आंसर तो जल्दी से बता दो बिल्कुल भी टाइम लो ही मत इसमें तुरंत रिपीट तुरंत आंसर दे दो सी आर नंदा देखो बात ऐसी है कि एज इट इज क्वेश्चन मिले न मिले लेकिन इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको आपने रोजाना मेरे साथ ये सेशन कर लिया एक हजार क्वेश्चन अगर कर लिए तो यह तय मान के चलना कि आपको सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट क्वेश्चन इन्हीं के आसपास से मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिए तो पेपर का मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट यहीं से आना है ये मैं कह सकता हूं आपसे अब एज इट इज लैंग्वेज ऐसा थोड़ी है कि मैंने पेपर सेट किया है लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेंगे सारे के सारे हाँ जी क्या आंसर आ गया बेटा इसमें वेरी गुड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है वॉट वॉज द रेशियो ऑफ अमोनिया मीथेन एंड हाइड्रोजन अब ये वही बात हो गई मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन इनका रेशियो था टू वन टू इसको हम इस तरीके से याद करते हैं एम ए एच टू वन टू है ना अब आपसे अमोनिया मीथेन और हाइड्रोजन पूछ लिया है तो अमोनिया वन मीथेन टू हाइड्रोजन टू तो आंसर क्या आ जाएगा वन टू टू थ्री विल बी द करेक्ट आंसर थोड़ा सा चेंज कर दिया है थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको है ना पूछा क्या गया है सीक्वेंस बदल दिया है पूछा किस सीक्वेंस में है पहले अमोनिया फिर मीथेन फिर हाइड्रोजन तो थोड़ा सा गुगल ही कर दिया इन लोगों ने। करते रहते हैं बीच-बीच में। आइए बहुत आसान है बहुत आसान है थर्टी सिक्स परसेंट ए ए का मतलब क्या होता है क्यू स्क्वायर और क्यू कितना दे रखा है थर्टी सिक्स परसेंट या मैं लिख दू जीरो q, तो q क्या हो गया 0.6 और अगर q 0.6 हो गया तो आप जानते हैं अच्छे से पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन तो आप p भी कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज जीरो पॉइंट और अगर आपने ये दोनों कैलकुलेट कर लिए तो अब आपको टू पी क्यू कैलकुलेट करने में कितनी देर लगेगी दो सेकेंड ये आंसर क्या आ गया टू इंटू जीरो इंटू जीरो पॉइंट फोर यानी कि जीरो पॉइंट फोर एट या हम कह दें फोर्टी एट परसेंट दे आर वन एंड द सेम थिंग थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर आई होप इट इज क्लियर ठीक है आगे चलो व्हाट आर कंसिडर्ड एज टू की कंसेप्ट ऑफ डार्वेनिज्म के दो की कंसेप्ट क्या है दो की कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है एज इट इज दैट इज अ ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसको याद रखिए ये डार्विन के की कंसेप्ट में आते हैं ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन करेक्ट आगे चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट फॉर होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस में पहला तो आपका जावा एप मैन था और दूसरा आपका कौन सा था आ, पैकिंग मैन दोनों होमो इरेक्टस के सब स्पीशीज थे तो क्या पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है चलिए करेक्ट स्टेटमेंट लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी 900 बिल्कुल ठीक है मीट खाते थे ठीक है 1.5 पॉइंट इवॉल्व फ्रॉम होम ये तो सारे ही सही हो गए फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट आंसर दे ऑल आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हेल्थ के मॉडर्न कंसेप्ट को अब देखो ये क्वेश्चन लंबे तो लगते हैं पर होते आसान है इनमें कुछ भी नहीं मिलता आप पढ़ेंगे आंसर तुरंत निकल आएगा मॉडर्न कंसेप्ट पूछा है तो इसमें बॉडी ह्यूमर का कोई लेना देना नहीं है यह तो एंसियंट कंसेप्ट था हमारा है ना हेल्थ डज नॉट मीन ओनली एबसेंस ऑफ डिजीज ये बात बिल्कुल ठीक है हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल मेंटल यह ठीक है

फिर बी फिर सी और फिर डी ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ए बी सी डी क्या क्या है एड्स वायरस का इन्फेक्शन का प्रोसेस चल रहा है आइए अब आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी से ए क्या है आपका व्हाट इज ए ए इज अ वायरल आर एन ए इंट्रोड्यूस्ड इन टू द सेल ये वायरल आर एन ए है जो एंटर कर रहा है बी आपका वायरल डीएनए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एक्शन से यह डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा सी वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट विद हॉस्ट डीएनए अंदर चला गया और डी नए वायरल पार्टिकल्स बन गए थर्ड इज द करेक्ट आंसर चलिए डन डन हा वो थोड़े से छोटे हो गए बेटा ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आ गए अब कोई बात नहीं कर लो फिगर शोज द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम विद सम पार्ट मार्क डी ये लो पहचानो जरा डी पहचान सकते हो क्या देखो बी को तो पहचान ही लोगे बाकी कुछ नहीं पहचानोगे तो सी को भी पहचान लोगे डी भी पहचान लो ए भी पहचान लो बी क्या है सबसे पहले बी बता दो जल्दी से बी क्या है आपको क्या दिखाई दे रहा है बी में मैं यही लिखे देता हूं बी आपका थाइमस है सी आपका स्प्लीन है अच्छे से दिखाई दे रहा है ए आपके लिम्फ नोड्स हैं और डी आपका बोन मैरो एनसीआरटी का डायग्राम है एक, एक्जैक्टली वहीं से ये डायग्राम एक्जैक्टली पिक कर लिया गया है तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर आपका आंसर आ गया ये थर्ड थर्ड इज द करेक्ट आंसर अब आते हैं 99 में कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया कॉमन कोल्ड निमोनिया से डिफरेंट है क्यों है साहब निमोनिया से डिफरेंट कॉमन कोल्ड निमोनिया इज कॉज बाई अ वायरस वाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज बाई बैक्टीरियम गलत कॉमन कोल्ड जो है वो भी राइनो वायरस से कॉज होता है निमोनिया पैथोजन इनफेक्ट एलवियोलाई वेयर इज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ये बात बिल्कुल सही है और यही इसका सही आंसर है निमोनिया में इंफेक्शन लंग्स में होता है कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एमओ मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है सुपर ओवुलेशन इज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्टायल एंड एल यही गलत हो गया एफ और एल होना चाहिए एफ एंड एल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट था आप लोगों को मजा आया कि नहीं इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको साथ में मिलने से आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट जनरेट हुआ कि नहीं और क्या आपको ये लगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन इसी लेवल के क्वेश्चन आपको नीट में मिलने वाले हैं मुझे जवाब दीजिए क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट करके ये सारी चीजें डेवलप की हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए चीजों को आसान बनाया जा सकता है उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं तो मुझे आप सब लोगों का जब तक अरे तो बेटा अंकिता एक हजार क्वेश्चन लिखा है तो रोजाना सौ करेंगे ना दस दिन तक लगातार करेंगे डेली हंड्रेड क्वेश्चन फुल सिलेबस के टेन मल्टीप्लाइड विद, विद वन हंड्रेड इज इक्वल टू वन थाउजेंड ऐसे वो वन थाउजेंड हो जाएंगे एक ही दिन में 1000 करोगे फिर तो रात तक काम करना पड़ेगा हमें वो नहीं करना है डेली इतना करना है इससे हमारा सब्जेक्ट एफिशिएंटली रिवाइज हो जाए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा सा एग्जाम का फियर दिमाग से निकल जाए मजा आया सबको अब सारे के सारे बच्चे सारे के सारे बच्चे इस सेशन को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सुबह 10 बजे का टाइम किसी को मिस नहीं करना है और बाकी सारा काम मैं स्पेशल क्लासेस के जरिए करवाऊंगा स्पेशल क्लासेस पर आपके प्रीवियस ईयर मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन से करवाऊंगा बाइलिंग अगले दस दिन में सारे पी क्यूज कंप्लीट करवाऊंगा ठीक है उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है और कितनी देर का वो सेशन रहने वाला है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पर तो जिन बच्चों ने लेट्स क्रैक नीट यूजी का चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है वो तुरंत प्रभाव से कर लें क्योंकि आज से ही ये सीक्वेंस में स्टार्ट कर दूंगा तो हजार क्वेश्चन तो ये हो गए और हजार के आसपास क्वेश्चन आपके पीवाई क्यूज हो गए पिछले दस सालों के टू थाउजेंड एमसी क्यूज बुलेट प्रूफ कर देंगे आपको पूरी तरीके से आप ये मान के चलिए आपको एट्टी फाइव परसेंट सारा कंटेंट नीट में यहीं से मिल जाना है आपको बस इन सेशंस को अटेंड करना है ना चलो तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे सारे बच्चे इस सेशन को लाइक करेंगे सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे और 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 स्पेशल क्लास का जो भी इंफॉर्मेशन होगा दैट विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप ठीक है टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा कल सुबह दस बजे का टाइम बिल्कुल भी मिस न करें ओके सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गॉड ब्लेस यू गुड डे कल मुलाकात होती है सुबह दस बजे लेट्स क्रैक नीट यूज़ी पर एक और फेबुलस और ऑसम पेपर के साथ मॉक टेस्ट के साथ बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट के साथ चलिए बेटा गुड बाय गुड डे